तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर जो कि स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी पर आधारित है स्टोक्स लॉ व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड इट ड्रैग्स द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन कॉन्टेक्ट विद इट अ मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूड इज सेट एंड एज अ रिजल्ट द बॉडी एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स विच इज नोन एज विस्कस फोर्स बच्चों अब इसका मतलब समझ लेते हैं स्टोक्स लॉ यह कहता है कि जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूड में गिरती है तो वह फ्लूड के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को धकेलती हुई अंदर धसती जाती है वह आगे बढ़ती जाती है अब बच्चों आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि कोई फ्लूड अगर फिल्ड है किसी कंटेनर में आप उस फ्लूड को पतले 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 पॉलीथीन से रिप्लेस कर दीजिए छोटे छोटे लेयर से रिप्लेस कर दीजिए अब अगर आप एक मार्बल पीस गिराते हैं ऊपर से तो अगर आप उसका स्लो मोशन ऑब्जर्व करें तो वह धीरे धीरे हर एक लेयर को पुश करते हुए धकेलते हुए नीचे मूव करती है अब आप उन पॉलीथीन के पीसेस को हटा के इमेजिन करिए कि फ्लूड है कोई लिक्विड है जैसे से हनी है तो हनी की भी डिफरेंट लेयर्स होंगी अगर कोई मार्बल मैं ऊपर से गिराता हूँ कंटेनर में तो वह हनी के हर एक लेयर को पुश करते हुए आगे बढ़ेगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मार्बल विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स और बच्चों इसी अपोजिंग फोर्स के कारण बॉडी जो है वो रिटार्ड करने लगती है और इस अपोजिंग फोर्स को हम विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स भी कहते हैं ये देख सकते हैं आप कि आपकी बॉडी का मोशन डाउनवर्ड है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसके ऊपर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और अपवर्ड ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है अब बच्चों मैं कुछ फैक्टर्स बताता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा कि इसका ये जो फॉर्मूला है सिक्स पाई ईटा आर वी ये कहाँ से आया सबसे पहला तो बच्चों ये जो ड्रैग फोर्स है आप किसी भी फ्लूड मीडियम में किसी बॉडी को अगर मूव कराते हैं तो ये ड्रैग फोर्स डेफिनेटली लगता है अगर आपने आंधी तूफान में कभी बाइक चलाई है या साइकिल चलाई है तो आपने खुद ने ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस किया हुआ है बच्चों यह विस्कस फोर्स तीन फैक्टर्स पे मेजरली डिपेंड करता है पहला द नेचर ऑफ फ्लूड दूसरा द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है द रिलेटिव विलासिटी बिटवीन फ्लूड एंड द ऑब्जेक्ट तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में ध्यान से देखें ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हमने लिख रखा है स्क्रीन पर एफ डी इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी सिक्स पाई तो कांस्टेंट है ईटा इज कोफिशंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम तो ये हमारे फ्लूइड के नेचर को बताता है आर आर इस हमने एज्यूम करा है कि हमारी जो बॉडी है वो एक बॉल है उसका रेडियस माना है तो ये आपके बॉडी के शेप और साइज को बता रहा है वी इज द विलासिटी वी हैव एज्यूम दैट द बॉडी इज हैविंग वाइल फॉलोइंग यानी कि जो बॉडी गिर रही है आपके फ्लूड मीडियम में उसकी विलोसिटी हमने वी मानी है तो इस तरीके से बच्चों तीनों ही फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट हो गए तो बच्चों अब आपने स्टोक्स लॉ सीख लिया है तो अपने कंसेप्ट को हम टेस्ट करते हैं What हैपन्स टू द drag फोर्स ऑन a इफ़ द रेडियस इज़ इंक्रीज बाय फिफ्टी परसेंट यानी कि जो तीन फैक्टर्स हमने डिस्कस करे हैं उनमें से एक फैक्टर यानी ऑब्जेक्ट के साइज़ को हमने फिफ्टी परसेंट बढ़ा दिया है चलिए देखते हैं बच्चों वैसे मैं एक मिनट का समय देना चाहता हूँ आपको आप प्रयास करिए फिर हम डिस्कस करेंगे तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर पहले रेडियस था बच्चों आर अब नया रेडियस हो गया है चूंकि 50% परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है स्फीयर के रेडियस में तो नया रेडियस है 1.5 पॉइंट फाइव आर वी नो दैट ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है सिक्स पाई टाइम्स ईटा आर वी सो विस्कस ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर तो बस इस प्रोपोर्शनैलिटी का हम यूज करेंगे एफ वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू एफ टू अपॉन आर टू करके आर टू की वैल्यू हमने वन पॉइंट फाइव आर रखी जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है तो हमें सेकेंड ड्रैग फोर्स यानी एफ डी टू निकल कर आता है वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ इनिशियल ड्रैग फोर्स ऑफर टू द स्फीयर बाय द फ्लूइड एक और कंसेप्ट टेस्ट करते हैं बच्चों अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूड अटेन्स अ कॉन्स्टेंट स्पीड आफ्टर सम टाइम वाई बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पर मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम दो मिनट बैठ कर सोचें कि ऐसा क्यों होता है अब बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूँगा आप उसका एक एक करके उत्तर दीजिए आप स्वयं आंसर तक पहुंच जाएंगे आपसे पूछा है कि एक बॉल को एक फेरकल बॉल को मैंने एक विस्कस फ्लूड में गिराया वह कुछ समय बाद कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेती है वाई तो बच्चों बढ़ते सॉल्यूशन की ओर सबसे पहले तो आप ये खुद सोचिए बच्चों कि जैसे ही बॉडी फ्लूड में एंटर करेगी उसके ऊपर एक कांस्टेंट बायोन फोर्स तो लगेगा ही साथ ही साथ उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स भी लगेगा अब बच्चों ये ध्यान रहे कि बॉडी गिर रही है और कंटिन्यूसली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है यानी वो एक्सलरेट तो कर ही रही है अगर वो एक्सीट कर रही है तो उसकी विलॉसिटी भी बढ़ रही होगी और जितनी ज्यादा बॉडी की विलॉसिटी बढ़ेगी उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा तो बेसिकली आपकी बॉडी के ऊपर तीन फोर्स लग रहे हैं एक डाउनवर्ड फोर्स विच इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ बॉल एंड इट्स वेट दूसरा दो अपवर्ड फोर्स यानी बायोन फोर्स एंड ड्रैग फोर्स एंड ड्रैग फोर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग विलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो बच्चों एक सिचुएशन ऐसी आएगी एट सम पॉइंट ड्रैग प्लस बायोन फोर्स इक्वल्स द बॉडी वेट एंड दिस सिंपली मीन्स दैट देर इज नो एक्स्ट्रा फोर्स बींग एग्जॉर्टेड ऑन बॉडी यानी कि बच्चों बायोन फोर्स तो कॉन्स्टेंट है ड्रैग फोर्स कंटिन्यूसली बढ़ता रहा बढ़ जा रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बॉडी एक्सिलेट कर रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक समय ऐसा आएगा कि बायोन फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स बॉडी वेट को बैलेंस कर देंगे और उस मोमेंट ऑफ टाइम से आपके ऑब्जेक्ट का आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा यानी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी और इसी को हम टर्मिनल कंडीशन कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट के बाद बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है